और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे भारत जोड़ो यात्रा की। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत जोड़ो यात्रा है और कश्मीरी पंडितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। टारगेट किलिंग पर और पुनर्वास पर भी राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों से बातचीत की है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में हम ये मुद्दा उठाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सांबा में राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों से उन्होंने मुलाकात की है। ऋषिकेश मेरे सहयोगी लगातार भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, बड़ी बात है कि टारगेट किलिंग और पुनर्वास पर राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों से बातचीत की है, कैसे इस मुद्दे को देख रहे हैं वो? देखिए बिल्कुल, अभी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तौर पर टारगेट किलिंग एक बड़ा मसला है और इस टारगेट किलिंग को लेकर यहाँ के एससी समुदाय का जो एसोसिएशन है वो बीते 8 महीने से लगातार धरने पर बैठा और एक ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहा है। आज जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो उन्होंने बीच रास्ते में कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, 12 कश्मीरी पंडित उसमें मौजूद थे और उनसे अपने विचार साझा किए। कश्मीरी पंडितों के वर्ग का यह कहना था कि जिस तरह से टारगेट किलिंग को लेकर के जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उन्हें घाटी में, उससे काफ़ी मुश्किल हो रही है उन्हें वहाँ काम करना। ये वो लोग हैं जो वहाँ सरकारी नौकरियों में हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं और जानबूझकर उन्हें टारगेट कर मारा जा रहा है आतंकवादियों की तरफ से, और सरकार इस पे बिल्कुल अपने हाथ खड़े हुए हैं। सरकार बार बार कह रही है कि वो आप घाटी में जाए काम करें, दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल वहाँ सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और एक खौफ का माहौल है। लिहाजा आप उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को उठाएं। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि उनके चाहे वो पुनर्स्थापन की मांग हो या फिर टारगेट किलिंग जैसे मसले हो, उसकी मांग को वो संसद के मौजूदा जो शीतकालीन सत्र आने वाला है उसमें उनकी मांगों को उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तो टारगेट किलिंग को लेकर जिस तरीके से लगातार सियासत हो रही है और इसके अलावा जो छोटे छोटे स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा है कि रिफ्यूजी जो पीओके के रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, उनसे एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। अब से थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी यहां पे जम्मू में एक छोटी सी रैली को संबोधित करेंगे और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हैं। बिल्कुल, चलिए आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए। ऋषिकेश शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।